उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने रविवार को जनपद के खोराबार थाने क्षेत्र से अंतर्राज्यीय स्तर पर गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 28 पशुओं को बरामद किया। गोरखपुर एसटीएफ के प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह के अनुसार गोरखपुर पुलिस ने खोराबार कोतवाली इलाके से अंतर्राज्यीय गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मुजफ्फरनगर निवासी सलमान और लखीमपुर खीरी निवासी मोजा बंजारा के रूप में हुई है। गिरफ्तार तस्करों के पास से ट्रक में 27 बैल और एक गाय, 3 मोबाइल फोन और 1360 रुपया बरामद किया। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से एसटीएफ को सूचना मिल रही थी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से गोरखपुर कुशीनगर के रास्ते बिहार तक गौवंशीय पशुओं की भारी संख्या में तस्करी की जा रही थी। इस संबंध में एसटीएफ की टीमों को अभिसूचना संकलन और कार्रवाई के लिए निर्देश किया गया था, जिस क्रम में गोरखपुर फील्ड इकाई के पुलिस उपाधीक्षक धर्मेश कुमार शाही के पर्यवेक्षण में सूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके तहत सूचना मिली लखनऊ में किराए के मकान में रहने वाला गौ तस्कर इस्तखार पूरे गिरोह का संचालन कर रहा है और गौवंशों के ट्रकों को लखनऊ से बिहार तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए वह स्वयं अथवा अपने गिरोह के सदस्यों से ट्रक या उसके आगे पीछे अन्य वाहन से चलते हुए बिहार तक जाता है। एसटीएफ द्वारा बताया गया कि गिरोह के सदस्यों की कार्रवाई के लिए गोरखपुर एसटीएफ की फील्ड इकाई को लगाया गया था। सूचना पर निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम पुलिस चौकी जगदीशपुर पहुंचकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर तत्काल मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचे तो कुछ बाद एक ट्रक गोरखपुर से कुशीनगर की ओर आता दिखाई दिया, जिस पर गौवंशीय पशु लदे थे, को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर चालक ने ट्रक कंटेनर पुलिस की तरफ भगाकर भगाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने वाहनों से ट्रक का पीछा किया और कोनी तिराहे के पास अन्य वाहनों के सामने पड़ जाने के कारण ट्रक आगे नहीं बढ़ सका और उसी समय ट्रक को सड़क किनारे लगवा कर दोनों पशु तस्करों को गिरफ्तार कर गौवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्करों को खोराबार थाने में दाखिल कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।